हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स वेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वेरी दुनिया इंग्लिश में। लास्ट टाइम मैंने आपको कार्ल पियर्सन की जो मेथड दी, वो जो सिंपल मेथड दी, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इस टाइम हम लोग सीएफ यानी कि जब भी कोई डिजिट्स या कोई नंबर रिपीटेशन में होता है, तब उस टाइम हम लोग कार्ल पियर्सन की मेथड का किस टाइप से यूज करेंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। और जैसे 9 के बाद 10 नहीं आता बराबर, तो उसे ही आपने अभी तक हमारा 6 नंबर का पार्ट्स एंड 7 नंबर के पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपको रिपीटेशन हो जाए और आप लोगों की जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, ये हमारा 7 नंबर का पार्ट है, तो ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट्स बना चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स में आपको पूरा का पूरा चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत इजी वे में मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग उनको स्टार्ट करना है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसके अंदर 1 by 1 टॉपिक देखेंगे। चलो अब उसके अंदर वैल्यूएशन कैसी है, क्योंकि आपको मैंने जो सम्स कराए हैं वो सारे के सारे सम इसी के बेस पे है, तो 1 by 1 क्लियर करेंगे ताकि हम लोग उनको इजी वे में मालूम पड़ सके, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको हस्बैंड एंड वाइफ दी है, ठीक है, एक्स एंड वाइफ दी है, हस्बैंड के सेंटीमीटर में हाइट दी है और वाइफ की दी है। अब देखो जब भी ऐसी वैल्यूएशन है तब आपको रैंकिंग एक्स और रैंकिंग वाई फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द हाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कैलकुलेट द रैंक और रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देयर हाइट्स। हमको ऐसा दिया है, बट यहाँ पे रैंकिंग नहीं दिया है, जो वैल्यूएशन है उसमें कहीं पे भी रैंक नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है, रैंक बनाना है। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, रैंक बनाना है। अब वो रैंक कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हस्बैंड की हाइट है, आपको दिख रही है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट हाइट किसकी है, देखो सबसे हाईएस्ट हाइट 1 नंबर इसको दे दूंगा मैं। ओके, देन उससे छोटी यानी कि उसके बाद वाली हम लोग 185 इसको सेकंड दे देंगे, उसके बाद 185 से कम 163 थर्ड, ओके, देन 162, देन 162, ओके, 4, 157, 5, 156, 6 एंड देन 7, ओके, लेट्स चेक आउट, 6 7 2 5 3 1 4, ओके, मेरा आंसर राइट है। अब यहाँ पे भी हमको वाइफ में भी ऐसा करना है, देखो वाइफ में 170 ये हाईएस्ट है, उसको मैंने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद देखो 17 के बाद दो वैल्यूएशन ऐसी है, दो वैल्यूएशन कौन सी, 162 एंड 162, ये दोनों रिपीट हो रही है फ्रेंड्स, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तब हमको क्या करना है, देखो अब एक क्लास में दो बच्चे हैं, उनको दोनों के सेम नंबर आए, अब क्लास में फर्स्ट नंबर तो अनाउंस कर दिया है, अब सेकंड नंबर अनाउंस करना है, तो सेकंड मार्क्स के लिए 162 और 162 दोनों नॉमिनी है, तो क्या करेंगे खबर है, उस टाइम 2 + 3 डिवाइड बाय, दो पार्टिसिपेट है तो 2, यानी कि 2.5 आएगा, तो दोनों को हम 2.5 की रैंक दे देंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर दो पार्टिसिपेट है दोनों के सेम नंबर है तो हम लोग उसको 2.5 दे देंगे, क्योंकि मुझे 2 नंबर देना है और उसके बाद 3 नंबर देना है, एटलीस्ट 2 और 3, यानी कि 2 + 3 = 5/2, यानी कि 2.5 मैं दोनों को रैंकिंग दे दूंगा। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, और मैंने ऊपर आपको काउंटिंग भी बता दी, यानी कि मैंने ऑलरेडी 2 नंबर एंड 3 नंबर गिवन कर दिया है। अब हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर, ओके, 4 नंबर, देखो डायरेक्टली 4 नंबर आ गया। चलो देन नेक्स्ट 5 के लिए भी दो नॉमिनी है, देखो 154 150, तो 5 एंड 6 मालूम पड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर मैंने काउंटिंग लिख दी है, 5 + 6/2 यानी 5.5, यानी 5 और 6 नंबर मैंने दे दिया। अब बचा कौन सा है लास्ट में, 7, जो कि 148 को मिल जाएगा, यानी 7 हस्बैंड एंड वाइफ है, तो 7 से बढ़ना नहीं चाहिए कि उससे कम भी नहीं होना चाहिए, यानी उससे मोर देन भी नहीं होना चाहिए ना ही लेस देन, ओके, क्लियर है। अब तो आपको मालूम पड़ गया क्योंकि बेसिक सम हो गया, इससे आपको कन्वर्ट करते आ गया होगा रैंडम एक्स एंड रैंडम वाई देते हुए। अब 6 - 5.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5, 7 - 7 0, फिर -0.5, 1 0.5, 0 -1.5, और इसका एटलीस्ट
टैली जो है हम लोग ने बता चुका हूँ मैं आपको, टोटल कितना होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा, ठीक है। अब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, देन 0 का 0, 0.5 का 25, 1 का 1, 5 का 25, 0 एंड 1.5 का 2.25, ये सारे का हम लोग क्या कर लेंगे सम, यानी हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर जब भी रिपीटेशन में होता है तब r इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन अपॉन क्या रहा, यस जस्ट सेकेंड, एन एन स्क्वायर माइनस 1, ये टाइप का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो सिग्मा डी स्क्वायर है, एन है, खाली हमारे पास क्या नहीं है सी एफ, तो यहाँ पे मैं सी एफ फाइंड आउट कर रहा हूँ। देख लो ये सी एफ रिपीट ऑब्जर्व, यानी जो ऑब्जेक्ट है या तो जो भी नंबर है जो रिपीट हो रही है, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो रिपीटेड नंबर, देखो आप बराबर नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स जो रिपीट हुआ है, फिर हमारा ये फॉर्मूला एम थ्री एम गन माइनस एम अपॉन 12 बराबर, चलो एम क्यूब बोलेंगे ओके। चलो रिपीटेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कौन सी वैल्यूशन रिपीट हुई है, तो यहाँ पे 162 रिपीट हुई थी, ए रही देखो ये 2.5 की 162 और 154 की, ये दोनों रिपीट हुई थी, कितनी टाइम रिपीट हुई थी 2 टाइम्स, तो देखो मैंने 2 लिख दिया है, 2 टाइम्स रिपीट हुई थी तो 2 टाइम्स अब 2 3 ओके माइनस 2 अपॉन 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 2 का क्यूब करेंगे माइनस 2 अपॉन 12 करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 अपॉन 12 एट मीन 6 अपॉन 12 मीनिंग 0.5, तो दोनों में एड एज इट इज 0.5 0.5 आ गया, तो हमारा सी एफ कितना हो गया बेटा, सी एफ आएगा 1, कितना आएगा 1 आ गया ओके। चलो अब मैं फॉर्मूला लिख के उसके अंदर सारी डिटेल्स डाल देता हूँ, अब आप लोगों के लिए ये इजी हो गया सब, अब आप लोगों के लिए इजी हो गया, देखो 4 प्लस 1 लिखना है, 6 इंटू 4 24 करके प्लस 1 नहीं करना है, ध्यान रखना 6 प्लस 1 इज इक्वल सॉरी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 6 करना है ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा 13/336 1 माइनस करेंगे 0.09 मींस 0.91, ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। फिर लास्ट में आंसर लिखना मत भूलना, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंसी बिटवीन इज 0.91 फ्रेंड्स। अगर ये सम आप लोगों को आता है तो 3 मार्क्स में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 3 मार्क्स में आपको पूछेंगे, 3 मार्क्स में 110%। अगर सेकंड चैप्टर में से कालबियासन के जो शॉर्ट सम्स थे कोवेरियंस वाले, लाइक आप लोगों को मालूम है मैंने शॉर्ट सम्स कराए, अगर वो सम्स नहीं पूछते तो आपको ये वाला सम 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ओके। चलो एक और सम करवाता हूँ 6 नंबर का, देखो 6, 7 और 8 चारों चार ये वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दिया है, फर्स्ट इंटरव्यूअर और सेकंड इंटरव्यूअर, ये दोनों में भी हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंसी, चलो नंबर देंगे, हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 47 को 1 नंबर दे दिया, देन नेक्स्ट फाइंड आउट करो 44 है, देखो उससे कम है 40 बराबर ओके, ये जिसको भी मैंने दे दिया उसको सर्कल करते जा रहे हैं। चलो देन नेक्स्ट 35 से छोटा है 28 बट 28 टू टाइम्स है, तो देखो 4 के बाद हमको कौन सा नंबर देना है 5 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 मेरा आंसर आएगा। चलो 28 दोनों को 5.5 दे दिया यानी 6 तक दे दिया, अब कौन सा देंगे 7, यस वेरी गुड, 19 को हम लोग दे देंगे 7 और 10 को दे देंगे हम लोग 8, ओवर क्लियर गॉट इट यार, अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर करना ओके। आर वाई करेंगे बेटा, आर वाई देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप लोग रैंकिंग बराबर करिए, अगर रैंक आप लोग क्लियर कर पा रहे हो तो आराम से श्योर हो जाओगे बराबर, बट अगर रैंकिंग नहीं मालूम पड़ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर की चिंता मत करिए, आपको समझना जरूरी है, लैंग्वेज बैरियर नहीं नड़ेगा ओके। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या वैल्यूशन 45 हाईएस्ट वैल्यू 45 देन नेक्स्ट 41
ओके 45 41, उसके बाद कौन से आएंगे? आई थिंक 38, ओके 38 है, फिर देखो 32 है, पर 32 थ्री टाइम्स है बेटा, देखो 1 2 एंड 3। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ पे एक नई चीज है, जो थ्री तक तो दे दिया, अब क्लास में तीन बच्चे हैं एज इट इज सेम मार्क्स है, तो कुछ मत करो आप, थ्री के बाद आपको फोर नंबर देना है, 4 + 5 + 6 अपॉन कितने जने, 3, ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। आप लोग कर लो, इसका सम करेंगे 15 आएगा, 15 upon 3 देख लो 5 आ गया, तो मैं तीनों दिन को 5 रैंकिंग दे दूंगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से 4 लिखा गया है, बट 5 रैंकिंग दे देंगे, ठीक है, देखो मैंने 5 रैंकिंग दे दी। और लास्ट में कौन है, 25 और 24 7 है, नहीं एड इज इट, अब तो आपको डी करना है, फिर डी स्क्वायर करना है और सी एफ फाइंड आउट करना है, चलो वो भी करवा देता हूँ, 0 1 1 0.5 -1 -1 -1 0 चेक कर लो, और अब इसका क्या कर लेंगे, फटाफट स्क्वायर, देखो इससे आपका रिवाइज भी हो रहा है, फिर आप लोग ये वीडियो देख के फिर से आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो वीडियो यही है, आप लोग कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है 5.5 पर गिनोगे नहीं वहां तक नहीं आएगा, अगर सम की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग तो आप लोग उनको नहीं क्लियर हो पाएगा, यानी कि हर सम की एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके। चलो यहाँ पे देखो 28 वैल्यूज रिपीट हुई थी, ये रही 5.5 की 28, और यहाँ पे जो सेकंड था हमारा वो 5 रिपीट हुआ था बेटा, 5 रिपीट हुआ था 1 2 एंड 3, चलो 5 लिख देंगे, यानी 5 के सामने कौन सी वैल्यू थी, 32 की, बराबर कितने टाइम्स, तो यहाँ पे टाइम्स लिखेंगे 2, देन नेक्स्ट में लिखेंगे 3, ओके चलो अब उसका जो फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.5 और सेकंड में आएगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा, बराबर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे, -3 upon 12, ठीक है 927 -3 upon 12 मीन्स 2 आ जाएगा मेरा आंसर, चेकआउट कर लो आ रहा है कि नहीं, चलो बस अब सिर्फ वैल्यूशन लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर दे दे रहे हैं, आपको होमवर्क करना है, क्लियर करना है, देखो आंसर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, 0.90 आएगा हमारा आंसर, बट आप लोग इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन में यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ बट उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, अगर कोई सम नहीं आता है तो नीचे कॉमेंट कर दें, उस पर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5 and 6, अब ये वाला मस्त है, 10 contestants are ranked in the beauty contest. Oh, beauty contest diya hai. By 2 judges and their sum of the square of difference in their rank foundation by 214. Find the wrong. Ab dekho beta, iske andar sab taiyar de diya. Aapko dekho, n to de diya 10 participant, 10 contestant. Barabar. Aur jo difference hai, unka square. Square means hota hai hamara sigma d square. So, अब ये दो वस्तु दे दी और ये दो की हमको जरूर है, फॉर्मूला लिखो और आंसर लगा दो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और डी स्क्वायर हमारा 240। अब देख लो मैंने क्या किया है, दो चीज आपको दी है तैयार, खाली फॉर्मूला लिखना है और आंसर लाना है, अगर 2 मार्क्स में भी पूछे ना तो भी जैकपॉट है बेटा, 2 मार्क्स में पूछे तो भी जैकपॉट है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जैकपॉट है, यू समझ लो, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आप लोग ज्यादा नहीं फ्रेंड्स 1 मिनट में आंसर लिया होगा, 1 मिनट एटलीस्ट 1 मिनट, बट अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो और अभी भी नहीं मालूम पड़ रही है तो प्रीवियस वीडियो से एक बार देख लो, प्रीवियस वीडियो में सारा कंटेंट मैंने चला दिया है, ठीक है। और लास्ट सम है हमारा द कोएफिशिएंसी, इसको मोस्ट टाइम भी कर लेना, इसको मोस्ट टाइम भी कर लेना, ये चैप्टर का लास्ट सम है, फिर एक्सरसाइज के सम्स आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर कोई नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। The coefficiency of rank correlation of the marks obtained the 10 student in 2 particular subject was found be 0.5. Okay, देखो यहाँ पे एक चीज क्या बताई, R आपको पहले से ही दे दिया 0.5 और participant कितने हैं, कितने student है, 10 student, तो n बराबर 10 दे दिया, okay फिर क्या problem हुई है, देखो it was the found that one of the difference of the rank of a student was 7. यानी एक स्टूडेंट का जो डिफरेंस था मीन्स डी, देखो डी स्क्वायर नहीं बोला है, स्क्वायर नहीं बोला है आपको, ओनली डी बोला है, यहाँ पे देखो डिफरेंस बोला है, डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक का डिफरेंस कितना है 7 था,
बट टेकन एज थ्री, यानी कि रॉन्गली हमने कौन सा ले लिया, थ्री. फाइंड द कोर रिलेशन वैल्यू ऑफ द कोर, करेक्ट करेक्ट हमको फाइंड आउट करनी है. ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे. चलो देखो, जो हमारा फॉर्मूला था R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n n square minus 1. R की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे दी है, तो कौन सी वैल्यू नहीं दी है, d square की वैल्यू से नहीं दी है. पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे, तो रॉन्गली सम मिल जाएगा, फिर राइट करेंगे उसमें. चलो देखो कैसे कर रहा हूं, हटा दो. जो वैल्यू सन थी वो लिख दी मैंने, 0.5 1 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 990. देखो 990, ये प्लस था इस बाजू आ गया तो माइनस, और ये माइनस था उस बाजू चला गया तो प्लस. ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 2 टाइम्स लिखा गया है, 1 माइनस 0.5. अब ये डिवाइड में उस बाजू जा ली जाएगी तो मल्टीप्लाई, ओके 0.5, ये दोनों का डिफरेंस कितना 0.5, और ये 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस बाजू जाएगा तो डिवाइड मिलेगा, यानी अपॉन 6 करेंगे तो डी स्क्वायर हमारा आएगा 82.5. स्क्वायर हमारा कितना आ गया 82.5. ओके गॉट इट. ये बट कैसा है, रॉन्ग है बेटा, ये कैसा है, रॉन्ग है. अब इसको मुझे राइट करना है, राइट कैसे करूंगा देखो बताओ तू. यहां तक आपको क्लियर है, जो हमने वैल्यूएशन थी ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके हमने रॉन्ग वैल्यूएशन. अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है, जो डी था ना उसका डिफरेंस हमारा रॉन्ग है, और यहाँ पे डी स्क्वायर. चलो देखो यहाँ पे जो रॉन्गली हमने फाइंड आउट किया, रॉन्गली कितना है 82.5. चल अब राइट वाला और रॉन्ग वाला, राइट वाला कितना था, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है डी स्क्वायर, करेक्ट हमको फाइंड आउट करना है. रॉन्ग का डी स्क्वायर करेंगे और करेक्ट का डी स्क्वायर प्लस करेंगे, रॉन्ग वाले का माइनस करेंगे और करेक्ट वाले का प्लस कर देंगे. ठीक है, इतना याद रखना. तो ये हमारे पास 82.5 ये यहाँ से आ गया था, मैंने बताया अभी आ रही. चल अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होएगा 9 और 7 का होएगा 49. चलो कर दो, माइनस 3 प्लस 49, तो 40 प्लस करेंगे तो 122.5 आ जाएगा. यस 122.5, ये हमारा कैसा है बेटा, करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर है. तो बस अब फिर से फॉर्मूला लिखो और आंसर ले आओ. फिर से फॉर्मूला लिख के आंसर ले आओ. 0.26 इज द राइट आंसर, 0.26 इज द राइट आंसर बेटा. जो हमारी मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक हमने सॉर्ट आउट की. इसको मोस्ट टाइम भी रखना, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन या फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा. बराबर, एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स है, अदर सम्स भी है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए. और अगर कोई सम नहीं आता है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना, उस सम पर मैं वीडियो बनाने की आपको कोशिश करूंगा. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय.